Hello students, I am the teacher to this question and let me explain this question to you now. The question says, fill in the blank, red cabbage juice is a dash indicator. तो इस question में हमें एक statement दिया है जिसके अंदर blank है, उस blank को हमें fill करना है और statement है कि जो red cabbage juice होता है is a dash indicator. हमें बताना है कि वो कैसा indicator है. अब हमें पता है कि इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अब जब हम एसिड या बेस के साथ मिक्स करते हैं तो वो शो करते हैं ईदर चेंज इन देयर कलर, या तो उनका कलर चेंज होता है, राइट, और चेंज इन देयर स्मेल. और ऐसा कब होता है? व्हेन दे आर मिक्स्ड विद एसिड्स और बेसिस, राइट. तो हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और हमारे पास मैन मेड इंडिकेटर्स मतलब कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं. जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो आपको नेचर में सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, लाइक वी हैव लिटमस, हमारे पास रेड कैबेज जूस, राइट. ये सारे हमारे पास क्या हैं? दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स. मैन मेड जैसे आपके पास हो गया मिथाइल ऑरेंज, आपके पास हो गया फिनोफ्लिन, ये सारे क्या हो जाते हैं? मैन मेड इंडिकेटर्स, राइट. अब रेड कैबेज जूस एक नेचुरल इंडिकेटर है. तो अगर हम पर्टिकुलरली रेड कैबेज जूस की बात करेंगे तो रेड कैबेज जूस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको यूज़ करके हम एसिड और बेस को जान सकते हैं. जैसे अगर हम रेड कैबेज जूस को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये इस रेड कैबेज जूस में जो पिगमेंट होता है, राइट, उसका जो कलर होता है एसिड के साथ मिक्स होने पे इट चेंजेस टू रेड. और जब हम उसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो बेस के साथ उसका कलर हो जाता है ब्लूइश ग्रीन. दिस द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन रेड कैबेज जूस इट चेंजेस टू ब्लूइश ग्रीन. और ऐसा कब होता है? व्हेन वी ट्रीटेड विद सम अल्कलाइन और यू कैन से विद सम बेस. तो इस ब्लैंक को फिल कर लेते हैं. सो दैट मींस इस ब्लैंक में हम सिंपल सा लिख सकते हैं क्योंकि हमें अब काफ़ी कुछ पता लग चुका है कि रेड कैबेज जूस जो है दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर. दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर. दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन. थैंक यू.